सानिया साहिवाल जीआईटी को दिया गया वक्त खत्म हो गया। ऐवान वज़ीर-ए-आला का जीआईटी के सरबराह सैयद एजाज शाह से रब्ता, मीडिया पर बयान देने पर इजहार बरहमी। हसास नोयत का मामला है, बयानबाजी से गुरेज करें, ऐवान वज़ीर-ए-आला की एजाज शाह को हदायत। वज़ीर-ए-आला ने सूबाई वज़रा से मामले पर मुशावरत शुरू कर दी। नवाज शरीफ की ईसीजी रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार, दिल के पट्टे का साइज बढ़ा हुआ जाहिर हुआ। इकोग्राफी के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल के वॉल और पट्टे सख्त थे। थीलियम स्कैन की रिपोर्ट कल आएगी। नवाज शरीफ का पीआईसी में तिब्बी मुआयना मुकम्मल, 5.5 घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद वापस कोटलग पर जेल मुंतकिल। सानिया साहिवाल गड़े सड़े निज़ाम की पैदावार है, सानिया ने पूरी कौम को परेशान कर दिया। आवाम की सहूलत के लिए नया निज़ाम ला रहे, रहनुमा पीटीआई नईमुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया साहिवाल पर लाहौर की ताजर बरादरी में भी गम व गुस्सा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने सानिया पर मजम्मती बैनर्स लगा दिए, ताजर बरादरी का आईजी को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा। सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए नई बनी जीआईटी का क्याम हाईकोर्ट में चैलेंज। सानिया मॉडल टाउन केस में नई जीआईटी नहीं बनाई जा सकती, दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। जिन कौमों के पास तालीम थी उन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की, किसी का काम के लिए जुनून शौक पैदा हो जाए तो निज़ाम बदल जाता है। सेहत के शोबे के लिए जो हो सकता था मैंने किया, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का पीसी होटल में तकरीब से खिताब। और डॉल्फिन स्कॉच की कार्रवाई, डकैत गैंग गिरफ्तार। डॉल्फिन टीम ने दो मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान से दो पिस्टल गोलियां बरामद कर ली, थाना सुंदर में मुकदमा दर्ज।